बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर जोर देने का सबसे ज्यादा फायदा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को मिलने वाला है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2015 तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर निवेश जीडीपी का 9% कम करने की बात कही है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां अपने कारोबार में तेजी की उम्मीद कर सकती हैं। आइए जानते हैं इस पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से जुड़े लोगों की राय। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो जरूर एम्प्लॉयमेंट भी देगा, टैक्स रेवेन्यूज भी देगा सरकार को। कुछ कदम दिए गए हैं इसमें, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए 5,500 करोड़ करीबन निवेश किया गया है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं, और जो 1 साल के लिए मुद्दत बढ़ाई गई है कि जब आपके जो प्रॉफिट्स हैं इन प्रोजेक्ट से अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसमें जो पहले सैंक्शन हुए थे और अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 1 साल तक और पूरे किए जा सकते हैं। पर कई कदम हैं जो कि उठाने बाकी हैं, और यही आशा लगी रहती है कि जो डिस्कशन होगा बजट में शायद उसमें कुछ और कदम दिए जाएं कि इस सेक्टर में जो सप्लाई लाइंस हैं कि जितनी सप्लाई है हाउसिंग की वो बढ़े, क्योंकि उसी से दाम कम रखे जा सकेंगे। अगर आर्थिक प्रगति का दर बढ़ता है तो ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि जितने घर बनाए जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में बनाए जाएं, नहीं तो अगर शॉर्टेज पड़ गया तब दाम बढ़ेंगे। सीमेंट की दाम जो है वो बजट के अलावा और भी बहुत चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं आजकल। ओवरऑल मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फ़र्क आएगा एक साधारण आदमी के लिए इसमें हाउस रेट्स में। हाउसिंग को लेके स्पेसिफिकली हम चाहते थे कि सेक्शन 80IB के अंदर जो टैक्स हॉलीडेज हैं जो पहले दी जाती थी अफोर्डेबल हाउसिंग को, और जिसके अंदर की एक बहुत बड़ा डेफिसिट है, करीबन 25 मिलियन घर हैं जो 25 मिलियन लोग हैं जो अफेक्ट होते हैं इससे, तो उसको हम चाहते थे एक्सटेंड हो, बट उसके बारे में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ नॉट सेड एनीथिंग। एंड दूसरा चीज़ हम चाहते थे कि सेक्शन 80IA के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए और उसी तरह के उनको भी इंसेंटिव्स दिए जाएँ। तो अभी जो फोकस जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं रोड्स को, रेलवेज़ को और पोर्ट्स को ज़्यादा दिया जाता है, और हाउसिंग जो कि हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है पूरे देश की, उसको इतना फोकस में नहीं लिया गया इस बार। सारे रूरल इंडिया में आज जो सारा बिजनेस का प्रेजेंट सेटअप है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने रियलाइज़ किया है कि अर्बन सिटी में अब उनका सारा सैचुरेशन है, बहुत कॉम्पिटिशन है। रूरल एरिया में अगर रियल सर्विस दें, अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करें, प्राइस की वैल्यू दें तो बहुत चलेगा। ये बजट काफी बैलेंस्ड है। नकदी संकट में उलझे हाउसिंग और रियलिटी सेक्टर के लिए ये बजट खट्टा मीठा साबित हो सकता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगी प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान, तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं।